हाँ यूट्यूबर्स। अच्छा, ये बहुत ही छोटा सा कमाल का रिमोट स्विच है। इसकी हेल्प से आप घर की जितनी भी लाइट्स वगैरह हैं, फैंस हैं, उन सबको रिमोट के ऊपर चला सकते हैं, भले आपकी टीवी हो, कुछ भी हो। चार्जर्स वगैरह हैं अगर आपकी बैटरी के, उन्हें भी आप रिमोट पर चला सकते हैं। इस रिमोट पर ये 6 बटन्स हैं। इसमें सबसे पहला बटन है चैनल 1 का, ये चैनल 2 का है, ये चैनल 3, चैनल 4, और ये सभी को अगर एक साथ ऑन करना चाहें और ये सबको एक साथ ऑफ अगर करना चाहें। जैसे ये स्विच आपने प्रेस किया तो ये लाइट ऑफ हो गई, दोबारा से आपने किया तो एक टिक की आवाज़ आएगी, ये ऑन हो जाएगा, फिर से प्रेस किया ऑफ, फिर से ऑन। ये इस तरह से काम करता है। और ये इसका जो है वो रिसीवर है, ये बोर्ड में आप कहीं भी अंदर फिट कर सकते हैं। जैसे ये एक बोर्ड है, इसके अंदर आप बोर्ड के अंदर इस रिमोट को फिट कर दें, इसके रिसीवर को, और ये इसके कनेक्शंस कर दें स्विचेस के साथ। ये 4 चैनल हैं, इसके साथ आप 4 चीज़ें एक साथ चला सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस रिमोट के नीचे से ये कुछ वायर्स निकल रही हैं, एक येलो है, ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, और लास्ट में एक ब्लैक वायर है। तो ये जो वायर्स हैं इनके कनेक्शन इस तरह से होते हैं कि ये जो लास्ट में ब्लैक वायर्स निकल रही हैं, बिल्कुल लास्ट में, ये ब्लैक वाली वायर आपकी न्यूट्रल हो जाती है, और ये रेड वाली जो आपकी वायर है ये है आपका फेस। तो इसके कनेक्शन ऐसे आपने करने हैं कि न्यूट्रल को न्यूट्रल देना है, फेस को आपने जो रेड वाली है उसको आपने फेस के साथ कनेक्ट कर देना है। जैसे आप ये वायरिंग में अगर देखें तो ये जो रिमोट के अंदर से जो रेड वाली वायर निकल रही है, वो रेड वाली वायर इसके फेस के साथ कनेक्टेड है, और उसके बाद जो ब्लैक वाली वायर है वो इसका न्यूट्रल हो जाएगा, वो न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड है। सामने आपको ये स्विच के साथ ये यहाँ पे नज़र भी आ रही है, ये न्यूट्रल इसके साथ कनेक्टेड है ब्लैक। उसके बाद जो रेड वाली है वो आपकी फेस में कनेक्ट हो जाती है, और फिर आपकी ये जो एक आप देख रहे हैं ब्लू वाली वायर, ये एक स्विच के साथ अटैच्ड है, और ये जो येलो निकल रही है ये ऊपर इस स्विच के साथ अटैच्ड है, ये आप देख सकते हैं येलो उसके साथ अटैच हो गई। और उसके बाद हमारी 2 और वायर्स रह जाती हैं, एक वाइट वाइट ये यहाँ पर इस स्विच के साथ अटैच हो गई है, और वाइट के बाद हमारी ये ब्लू आ जाती है, तो ब्लू वाली ये यहाँ पर अटैच हुई हुई है इस स्विच के साथ। तो इसको आप 4 स्विचेस के साथ अटैच कर सकते हैं, ये 4 चैनल है, और इसके ऊपर ये सारी डायग्राम्स बनी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर ये ब्लैक है, 2 ब्लैक वायर्स हैं, उसके बाद ये ब्लैक कॉमन होती हैं, इसकी दोनों सेम है, 2 वायर्स निकलती हैं लेकिन दोनों में कंटिन्यूटी होती है, दोनों अंदर से कनेक्टेड होती हैं। फिर उसके बाद हमारी रेड है, रेड आप देख सकते हैं 220 VAC लिखा हुआ है। अगर मैं कैमरे को सीधा करूं तो ये आप देख सकते हैं 220 VAC लिखा है, ये इसका मतलब कि ये 220 आपने फेस के साथ लगा देनी है। उसके बाद हमारी ये जो वायर निकलती है रेड, ग्रीन, येलो और वाइट और ब्लू, तो रेड आपकी फेस के साथ होगी, फिर ग्रीन, येलो, वाइट और ब्लू, ये 4 वायर्स निकलती हैं। आप साथ में देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा है D4C3B2A1, तो ये आप 4 चैनल्स को लगा सकते हैं। ये जो हमारा रिमोट वाला स्विच है, इसकी सबसे अच्छी बात ये बिल्कुल छोटा सा है, इसको आप बोर्ड के अंदर कहीं पर भी फिट कर दें, ये बिल्कुल छुप जाएगा अंदर, और उसके बाद इसके साथ से एक वायर निकलती है जो कि एक एंटीने का काम कर रही होती है। ये आप ऊपर से ये वाइट वाली वायर देख सकते हैं, ये अलग से ऊपर से निकलती है वाइट वायर, और ये एंटीने का काम करती है। इस वाइट वायर को आप बोर्ड के किनारे पे इस तरह से करके ला के छोड़ दें तो ये वहाँ से जो है ना इसको सिग्नल्स वगैरह मिलते रहते हैं और ये काम करती रहती है। तो ये छोटा सा एक रिमोट स्विच है, इसका रिमोट ये वाला आ जाता है, और इसके ऊपर आपको टोटल 6 बटन्स मिलते हैं। आप 4 ऊपर के जो है वो चैनल्स के हैं जो आपने स्विच इसके साथ कंट्रोल करने हैं, तो आप इसके साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। ये 220 वोल्ट पर चलता है। डीसी वाला एक रिमोट स्विच आता है वो अलग से होता है। अब इसको आप जब इस बोर्ड के अंदर फिट करेंगे, ये बोर्ड के अंदर बिल्कुल फिट हो जाता है, कहीं से नज़र नहीं आता कि ये बोर्ड के अंदर लगा हुआ है, बिल्कुल पता नहीं चलता। वायर भी आपके बिल्कुल किनारे पे एंटीने की वायर आ जाएगी। इसकी 4 वायर्स हैं, इनको आप 4 स्विचेस को दे दें और फिर बैठे बैठे आप हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपके फैंस हो गए, लाइट्स होगी, रात को 0 का बटन हो गया, अगर आपके बाहर सहन में लगी हुई हैं आप उन्हें भी कंट्रोल कर सकते हैं अंदर रूम से भी। इसकी तकरीबन 20 to 30 meters जो है ना इस रिमोट की रेंज होती है, और इससे आप इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। बाहर सहन में, गली में कोई लाइट ऑन करनी है जो घर के बाहर लगी हुई है दरवाजे के बाहर, उसको भी आप अंदर से रिमोट से ही ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस रिमोट के अंदर ये एक छोटा सा सेल डलता है, इसके अंदर वैसे जो रिमोट वाले सेल होते हैं वो नहीं यूज़ होते, इसके अंदर ये एक सेल यूज़ होता है जो अक्सर आपने देखा होगा चार्जिंग वाली जो बेल्स होती हैं वायरलेस बेल, उनके अंदर भी यही सेल होता है। इस सेल का जो मॉडल होता है वो होता है 23AE, और ये 12 वोल्ट इसके ऊपर लिखा होता है, ये 12 वोल्ट का सेल होता है,
और ये सेल इस रिमोट के अंदर यूज़ होता है और फिर आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये वाला बटन, ये मैंने लाइट पे रखा है, इसको मैं प्रेस करूँगा लाइट ऑफ हो जाएगी, वापस प्रेस करूँगा तो लाइट ऑन हो जाएगी। और बाकी के जो है आप फ़ैन पे रख सकते हैं, आप बाकी दूसरी एक दो लाइट्स पे रख सकते हैं। अगर आपका एलईडी टीवी है आप उसको इसके साथ कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एलईडी टीवी अगर रिमोट से ऑफ़ करते हैं, कभी भी वोल्टेज हाई ज़्यादा आए तो वो टीवी का सर्किट जलने का ख़तरा होता है। लेकिन ये रिमोट आप यूज़ करें, ये सर्किट यूज़ करें, छोटा सा इसका बॉक्स आता है जो बोर्ड में ही लग जाता है, तो इसकी मदद से आप, इसकी हेल्प से आप इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइट, फ़ैन, सब कुछ बैठे बैठे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल है ये, अगर आप भी यूज़ करें तो आपको भी इसके फ़ायदे का पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।